नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पार्वती त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव। हर रोज की तरह आज एक बार फिर हाजिर हैं हम दो जिलों के रिपोर्टर्स के साथ, जो अब से कुछ ही देर बाद जुड़ेंगे और अपने अपने जिले का हाल बताएंगे, क्या बड़ी हलचल उनके जिले में है, क्या बड़ी खबर वहां से है और साथ ही चुनावों को लेकर किस तरह का माहौल उनके जिले में बना हुआ है उसको लेकर भी जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना और ओमिक्रॉन का खतरा लगातार अब बढ़ता जा रहा है, मामले बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है, राज्य सरकारें सतर्क हैं, अलर्ट मोड पर काम कर रही हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर बात उत्तर प्रदेश की जाए तो उत्तर प्रदेश में अभी भी किसी तरह की कोई पाबंदी लगती हुई नजर नहीं आ रही है। सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, लेकिन दिन में बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही हैं, बड़ी बड़ी रैलियां नेताओं की तरफ से की जा रही है। ऐसे में जनता कितनी कोरोना और ओमिक्रॉन को लेकर जागरूक है, किस तरह से प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है ये जानने की भी कोशिश करेंगे और वैक्सीनेशन को लेकर किस स्तर पर काम किया जा रहा है ये भी यहां पर हम जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जिस तरह से आपको बताएं कि कल से 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और ऐसे में बहुत बड़े स्तर पर ये पूरे भारत में वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, जिसमें कल 40 लाख बच्चों को पूरे भारत में वैक्सीन लगाई गई। ऐसे में उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो रायबरेली से और सहारनपुर से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, तो वहाँ पर क्या इंतज़ाम है, ग्रामीण इलाकों की बात की जाए वहाँ पर किस तरह की सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं। हालांकि देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि हालात कुछ ज़्यादा सही नहीं हैं रायबरेली और सहारनपुर के, लेकिन ऐसे में अब चुनावी माहौल है, चुनाव बेहद नज़दीक है, तो विधायक क्षेत्र में कितना ज़्यादा दौरा करते हैं, कितना जनता से रूबरू होते हैं, ये भी सवाल यहाँ पर उठता है, ये जानने की भी यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। उसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे उत्तर भारत में ठंड इस समय बहुत ज़्यादा कड़ाके की पड़ रही है, तो बढ़ती ठंड को देखते हुए हम यहाँ पर ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि प्रशासन किस तरह से लोगों की सहायता कर रहा है, किस तरह से लोगों की मदद कर रहा है, रायबरेली और सहारनपुर में क्या रैन बसेरों की हालत है, अलाव की व्यवस्था क्या लोगों को दी जा रही है या नहीं दी जा रही, किस क्षेत्र का क्या हाल है, सीधे तौर पर ये यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर बाद रायबरेली से हमारे संवाददाता राजू तिवारी जुड़ेंगे और सहारनपुर से सुशील कपिल हमारे साथ जुड़ेंगे। क्योंकि देखिए अगर सहारनपुर की बात की जाए तो पश्चिमी यूपी में सहारनपुर भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, चुनाव के लिहाज से भी, एक वोट बैंक के लिहाज से भी, और वो इसलिए क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या किसानों की वहाँ पर रहती है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि किसानों के मन में क्या है और आखिर सहारनपुर की जनता के मन में क्या है, वो इसलिए क्योंकि किसानों की देखिए नाराजगी सरकार से बनी हुई थी। तीनों कृषि कानून बिल रद्द तो किसानों ने एक साल के आंदोलन के बाद करा लिए, लेकिन उसके बाद भी स्थिति अभी कहीं ना कहीं यही दिख रही है कि किसान अब भी सरकार से नाराज हैं, क्योंकि कई मांगे किसानों की थी और अब भी किसानों का कहना है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ चुनाव की वजह से ये बिल रद्द कर दिए। तो ऐसे में ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि किसान अब क्या सोच रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे भी हैं, बहुत सारे जिले ऐसे भी हैं जहां पर इन 5 साल में बीजेपी के कार्यकाल में कोई विकास नहीं हुआ, खासकर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहां पर तो लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित नजर आते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये खास कार्यक्रम का मकसद हमारा यही है कि सीधे तौर पर हम हमारे संवाददाताओं से जुड़ सकें और उनसे बातचीत कर सकें। तो ऐसे में रायबरेली से हमारे संवाददाता राजू तिवारी यहाँ पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, रायबरेली की आज सबसे पहले आप बड़ी खबर बताइए, क्या बड़ी हलचल है आज रायबरेली में? जी बिल्कुल, बात करें अगर रायबरेली जिले की तो रायबरेली जिले में आपको बता दें कि रायबरेली जिला प्रमुख रूप से एक किसानों का गढ़ कहा जाता है। हालांकि सबसे पहले बताना चाहेंगे कि रायबरेली जो है ये बीबीआईपी जिले में किसी समय शुमार हुआ करता था और इसको कांग्रेस का गढ़ कहा माना जाता था। हालांकि इस बार रायबरेली में हर पार्टियां स्टैंड लगाने के लिए अपना अपना पूरा दांव लगा चुकी हैं और अगर बात की जाए रायबरेली जिले में तो सलोन तहसील जो रायबरेली जिले के अंतर्गत आता है
उसके वहां पे किसान बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में किसान आलू की खेती करते हैं, जो फरुखाबाद के बाद दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में आलू की खेती का गढ़ कहा जाता है सलोन। यहाँ पे 2 दर्जन से अधिक कोल्ड स्टोरेज है किसी ब्लॉक में, और यहाँ पे लेकिन अगर किसानों की बात की जाए तो किसान काफी नाखुश देखने को मिल रहे हैं। हमने रियलिटी चेक के लिए ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट लेना चाहा और हम दौरे पे सलोन ब्लॉक गए, जहाँ पे किसान अपना अपना धान लेकर किसान क्रय केंद्र पर आए हुए थे, तो वहां पे हम किसानों से रियलिटी चेक करना चाहा तो किसान काफी नाखुश नजर आए। और किसानों ने बताया कि लगातार यहाँ पे कई कई दिनों से ट्रैक्टर लेकर रात और दिन पूरे पड़े हुए हैं, लेकिन तौल नहीं हो सकी है। वहीं ऑफ कैमरे पे और ऑन कैमरे पे किसानों ने बताया भी कि यहाँ पे बिचौलियों की साफ तौर पे खरीद हो रही है, जो सरकार के लिए कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो काफी जो इनके द्वारा कहा जा रहा है कि सीधे तौर पे किसानों की तौल हो रही है, तो अधिकारियों के द्वारा और कर्मचारियों के द्वारा सीधे तौर पे बड़ा उन सरकार के लिए चुनौती की बात है। तो इस तरह की जो रियलिटी, जी जी बोलिए बोलिए राजू, अगर इस तरह की बात की जाए तो जैसे रायबरेली जिले में ऊंचाहार विधानसभा माना जाए तो वहां धान का गढ़ कहा जाता है, और इधर डी और छतो ब्लॉक देखा जाए तो जहां धान की अधिक पैदावार होती है। तो इस तरह से किसानों में घूमकर देखा गया और रियलिटी चेक किया गया तो किसानों में खासी नाखुशी देखने को मिली, और किसान कहीं ना कहीं छुट्टा जानवरों से परेशान है, उसके बाद अगर धान जो उन्होंने तैयार किया है उनकी फसल बिकने में परेशानी हो रही, तो इस तरह की परेशानी से किसान कहीं ना कहीं काफी नाखुश। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि किसानों को सरकार ने खुश करने की कोशिश की थी कि तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे तो किसानों का कहीं ना कहीं वोट बैंक बीजेपी की तरफ चला जाएगा, लेकिन जिस तरह से आप रायबरेली के किसानों की समस्याएं बता रहे हैं उससे तो लग रहा है किसानों की नाराजगी अब भी कहीं ना कहीं बनी हुई है सरकार से। जी बिल्कुल, किसानों की बिल की बात की जाए तो वो वापस किए गए हैं, लेकिन किसानों के लिए कोई ऐसे कदम नहीं उठाए गए हैं। रायबरेली जिले के किसानों के मुताबिक अगर बात करें तो किसान कहीं ना कहीं लगातार परेशान है, और वो छुट्टा जानवरों से लेकर किसान धान बिक्री तक को लेकर परेशान है। जबकि अगर मैंने सलोन ब्लॉक में आकर देखना चाहा तो यहाँ किसानों ने बताया कि आलू की बुआई के समय में खाद की भी काफी किल्लत झेलने को मिली किसानों को, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो भी कदम है किसानों में वो रोष है किसानों में सरकार की तरफ देखने को मिलता है। जी बिल्कुल ठीक है राजू, और अगर यहाँ पर देखिए किसानों की बात कर ली है, साथ ही अगर कोरोना को लेकर बात की जाए तो कोरोना को लेकर प्रशासन कितना ज्यादा रायबरेली में अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए बहुत ज्यादा भी सख्ती या पाबंदी तो उत्तर प्रदेश में नहीं लगाई गई है, लेकिन प्रशासन फिर भी अपने स्तर पर किस तरह से अलर्ट है। और अगर वैक्सीनेशन को लेकर बात की जाए तो 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन कल से शुरू हो गया है, तो उसको लेकर रायबरेली में किस तरह के इंतजाम है? जी बिल्कुल, किसान जैसा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन जारी की गई है उसी के तहत रायबरेली जिले में 21 सेंटर बनाए गए हैं 15 से 18 वर्ष के बच्चों किशोरों के वैक्सीनेशन को लेकर। तो कल से लगातार 21 सेंटरों पे वैक्सीनेशन का काम जारी किया गया है, हो रहा है वैक्सीनेशन, काफी भारी तादाद में वैक्सीनेशन का कार्य भी चल रहा है। हमने ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट जानी, लोगों से बात किया तो किशोरों में 15 से 18 वर्ष के किशोरों में उत्साह भी देखने को मिला, और वो कहीं ना कहीं पहली डोज लगाने के बाद अपने आप को अपने आप में रिलीफ महसूस कर रहे हैं और सेफ महसूस कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक है राजू ये तो, लेकिन कल हमने जब पड़ताल की थी वैक्सीनेशन को लेकर उत्तर प्रदेश में, तो कई जगह से ऐसे मामले भी निकल कर सामने आए कि जहां पर भारी संख्या दिखी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बच्चों की और इंतजाम सही से नहीं किए गए थे, तो रायबरेली में क्या पूरे सभी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर बच्चों को वैक्सीन लगाने के लिए ठीक से इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल, आधे दर्जन से अधिक वैक्सीनेशन सेंटर पे जाकर हमने रियलिटी चेक किया तो वहां पे वैक्सीनेशन चल रहा था। हालांकि वहां भी अगर बात की जाए तो डॉक्टरों के द्वारा और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था, लोगों को मास्क लगाने की हिदायत नहीं दी जा रही थी, बिना मास्क के ही अधिकतर लोग लाइन में देखे जा रहे थे, और भारी संख्या में जहां पे लोग एकत्र थे वहां पे
मास्क लगाए हुए नहीं दिखाई पड़ रहे जी, यानी कि प्रशासन अब भी कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन और कोरोना को लेकर अलर्ट नहीं है। देखिए वैक्सीनेशन सेंटर्स पर सुविधाएं तो दे दी जाती हैं कि तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स बना दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी तस्वीरें जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि क्या दिखी तस्वीर, और हमने भी देखा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर भारी भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे, भीड़ लगी हुई थी, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं की जा रही थी, ना मास्क किसी के चेहरे पर नजर आ रहा था। बिल्कुल, जैसा कि हम बात करें अगर यहाँ पे जैसे IFFDC सेंटर सलोन में ही हमने कल देखा, रियलिटी चेक किया तो यहाँ पे भारी संख्या में जो भीड़ किसानों की मिली यूरिया क्रय केंद्र पे, तो वहां पे भी लोगों का जो हुजूम था वो भारी तादाद में था, वहां भी एक भी लोग बिना मास्क के लगाए हुए नहीं थे, सारे लोग बिना मास्क के दिखाई पड़ रहे थे। वहीं पे बगल में ही वैक्सीनेशन केंद्र बना हुआ है, वहां वैक्सीनेशन हो रहा था, वहां भी लोग मास्क लगाए बिना ही वैक्सीनेशन करवाने आए थे, लेकिन अधिकारियों के द्वारा ना कर्मचारियों के द्वारा कोई उनको हिदायत नहीं दी जा रही थी जिससे कि वो आगे के लिए समझ सके। जी ठीक है राजू, बिल्कुल, ये तो देखिए वैक्सीनेशन सेंटर्स की बात हो गई, लेकिन अगर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात की जाए और अस्पतालों की बात की जाए तो रायबरेली में किस तरह की तस्वीर दिखते हैं, क्योंकि देखिए पहले हमने देखा था पिछले साल सेकेंड वेव में बहुत जगह पर अस्पतालों की कमी हुई थी, बेड्स नहीं मिले थे, उसके बाद मानसून के समय में वायरल फीवर डेंगू के मरीज भी बहुत ज़्यादा सामने आए थे, अब ऐसे में बार बार तीसरी लहर को लेकर भी आशंका जताई जा रही है, तो स्वास्थ्य विभाग रायबरेली में कितना ज्यादा तैयार दिख रहा है, अस्पताल क्या तैयार हैं कि अगर कोरोना को लेकर तीसरी लहर आएगी या मामले बढ़ेंगे तो किस तरह से काबू उन पर किया जाएगा? बिल्कुल, बात करें रायबरेली जिले की तो रायबरेली जिले में जो कांग्रेस का गढ़ कहा जाता था, यहां पे कांग्रेस के समय में ही सोनिया गांधी जी यहां से सांसद हैं, उन्होंने यहां पे एम्स की सुविधा, एम्स जैसा बड़ा हॉस्पिटल की सुविधा मुहैया कराई है, तो कहीं ना कहीं ये जिले के लिए राहत की सांस है। और अभी हाल में ही कई जगह पे जो है ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी हो, तो कहीं ना कहीं एम्स के वजह से जो लोगों के लिए राहत की सांस देखने को मिल रही है जिले में। जी बिल्कुल राजू, और इसके अलावा अगर बात की जाए ग्रामीण इलाकों की, क्योंकि देखिए अक्सर हम देखते हैं कि शहरी इलाकों में तो सुविधाएं कर दी जाती हैं अस्पतालों की और स्वास्थ्य सुविधाएं, लेकिन अगर ग्रामीण इलाकों की बात की जाए सबसे मेन बात वहीं की है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं जब भी कोई आपदा आती है या कोई बीमारी फैलती है, कोरोना की बात कर लेते हैं, तो ग्रामीण जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उन तक सुविधा सही से नहीं पहुँच पाती। बिल्कुल, बात की जाए अगर ग्रामीण इलाकों की तो ग्रामीण इलाकों में अभी तक सरकार का कोई ऐसा मुहिम नहीं है जो लोगों तक पहुंच सके, हालांकि थर्ड वेव आने को है, सेकेंड वेव में भी लोग तड़पते हुए मरते हुए नजर आए, रायबरेली जिले में ही हम लोगों के द्वारा कई ऐसी तस्वीरें दिखाई गई जो काफी भयावह थी, सरकार को चैलेंज करने वाली, जो गंगा में लाशें तैर रही थी, तो कहीं ना कहीं चैलेंजिंग पोजिशन की स्थितियां जो दिखाई पड़ी, उसके बाद भी अगर बात की जाए जिले की तो अभी जिले में कोई ऐसी तैयारी नहीं दिखाई पड़ रही है जो इस ग्रामीण इलाकों में लोगों को सुविधा इस तरह की मिल सके। जी ठीक है राजू, आप बने रहिए मेरे साथ, फिर से आपका मैं रुख करूंगी। यहाँ पर सहारनपुर से हमारे संवाददाता सुशील कपिल भी जुड़ चुके हैं। सुशील, अगर सहारनपुर की बात की जाए तो आज सहारनपुर में सबसे पहले बताइए क्या बड़ी खबर है? जी बिल्कुल सुशील, और अगर देखिए सहारनपुर की बात की जाए तो अब चुनावी माहौल है और बहुत बड़ी आबादी किसानों की वहां पर रहती है, तो किसानों के मन में चुनाव से पहले क्या है, क्या इस बार किसान परिवर्तन चाहते हैं या बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? जो अन्ना मंत्री है उसका कहना है कि हमने संविधान को अन्ना मंत्री का इंतजार जो है पैदा करने का जो पैसा होता है वो काफ़ी लाइन
जी बिल्कुल सुशील, और अगर कोरोना को लेकर बात की जाए तो प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है। वैक्सीनेशन भी अब कल से बच्चों के लिए शुरू हो गया है, तो वैक्सीनेशन को लेकर किस तरह के इंतजाम सहारनपुर में किए गए हैं और कितने सेंटर्स वहां पर बनाए गए हैं? जी ठीक है राजू, रायबरेली में बात करें तो आपराधिक ग्राफ रायबरेली में क्या कहता है, क्योंकि देखिए पूरे उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि आपराधिक घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं। हालांकि सरकार ये जरूर कह रही है कि माफियाओं पर उन पर नियंत्रण किया गया है, माफियाओं पर कार्रवाई की गई है, उन्हें रोका गया, बदमाशों की खैर नहीं है उत्तर प्रदेश में, लेकिन अक्सर हम देखते हैं तमाम खबरें ऐसी सामने आती हैं जहाँ पर आपराधिक घटनाओं का ग्राफ कितना ज्यादा बढ़ गया है वो पता चलता है। रायबरेली में किस तरह का ग्राफ आप अपराध का देखते हैं? बिल्कुल, बात की जाए अगर अपराध की तो अपराध में कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो इस तरह के चैलेंज हैं वो जिले में बौने साबित हो रहे हैं। जिले में लूट, डकैती और हत्या के मामले जो लगातार अभी मैं आपको बता दूं, हाल में ही डी थाना क्षेत्र में ऐसी वारदात हुई थी जो उत्तर प्रदेश में लगभग बात की जाए तो काफी अरसे से बंद हो गई है, लेकिन वहां पे लूट भी हुई, डकैती भी हुई और हत्या भी हुई। तो दो महिलाओं, एक किशोरी सहित दो महिलाओं की हत्या हुई। तो इस तरह की जघन्य अपराध अगर उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं तो सरकार के जो इस तरह के चैलेंज हैं वो कहीं ना कहीं हमें नहीं लगता कि इस तरह से चैलेंज जिले में, रायबरेली जिले में अगर खासतौर से बात की जाए तो इस तरह से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है सुशील, अगर सहारनपुर की यहाँ पर बात की जाए, सहारनपुर में अगर 5 साल में कितना विकास हुआ है और ग्रामीण इलाकों में खासकर क्या तस्वीर दिख रही है विकास को लेकर, क्योंकि वादे तो देखिए बहुत ज्यादा कर दिए गए थे चुनाव से पहले, और ऐसे में अब वो वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं ये यहाँ पर जानने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो चलिए ठीक है, सुशील का से संपर्क हमारा टूट गया है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। राजू, रायबरेली में देखिए जिस तरह से आपने भी पहले कहा था कि कांग्रेस का गढ़ रायबरेली है, ऐसे में सांसद सोनिया गांधी वहां से है, तो कई जगह से हम ऐसी तस्वीरें भी देखते हैं कि अगर सत्ता में पार्टी दूसरी है और किसी क्षेत्र से सांसद दूसरी पार्टी के हैं तो कहीं ना कहीं वो क्षेत्र विकास के मामले में पीछे छूट जाता है। तो रायबरेली में क्या इस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है कि बीजेपी की तो सरकार है वो पूरे उत्तर प्रदेश में, लेकिन रायबरेली में सांसद सोनिया गांधी है जो कि कांग्रेस से आती है और कहीं ना कहीं बहुत हॉट सीट भी रायबरेली को माना जाता है, तो क्या इस वजह से रायबरेली विकास में पीछे रहा है या फिर 5 साल में खूब विकास रायबरेली में हुआ है? कि तो रायबरेली के विकास का दर काफी धीमा माना गया है, क्योंकि यहाँ पे एक विधायक सेकंड वेव में ही वो भाजपा से ही थे, वो खत्म हो चुके थे। और वहीं अगर सरेनी विधानसभा की बात की जाए तो सरेनी विधानसभा में भाजपा के विधायक हैं और उनके द्वारा ही वहां का नेतृत्व किया जा रहा है, लेकिन वहां की रफ्तार धीमी देखी जा रही। लोगों से हमने जाकर बातचीत करने का प्रयास किया तो लोग अपने विधायक से काफी नाखुश नजर आए, और उसका मूल कारण हमने जानने का प्रयास किया तो कहीं ना कहीं नहरों में पानी ना आना और सड़कों पर विकास की बात की जा रही है, वहां पे सड़क कहीं ना कहीं पूरी तरह से अभी तक भी बनी नहीं हुई। 5 साल बीतने को है लेकिन सड़कें बनी नहीं है, सड़कों पे चलने पे ये लगता है हम सड़क पे चल रहे हैं या बाहर चल रहे हैं। तो इस तरह से कहीं ना कहीं अगर बात की जाए विकास की तो विकास का मुद्दा रायबरेली जिले में हावी होगा, किसान का मुद्दा हावी होगा। तो इस तरह से जो आने वाला चुनाव है, चुनाव पे किस तरह से सरकार को और अन्य पार्टियों को चुनौती होगी जनता की, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी चलिए ठीक है सुशील, एक बार फिर से हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सुशील, अगर सहारनपुर के ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो वहां पर इन 5 सालों में कितना विकास हुआ है, क्योंकि देखिए 2017 के समय जब चुनाव का प्रचार प्रसार किया जा रहा था तो बड़े बड़े वादे किए गए थे कि बहुत ज्यादा विकास होगा, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि ग्रामीण इलाकों में विकास हुआ है या नहीं हुआ? Thank you.
जी बिल्कुल सुशील। और अगर देखिए रोजगार की सहारनपुर में बात कर ली जाए तो रोजगार को लेकर क्या वहां पर काम किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, इसीलिए ये देखिए सुशील यहाँ पर ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि चुनाव के समय में हालांकि अब भी देखिए प्रचार और प्रसार खूब जोरों शोरों पर किया जा रहा है, वादे बड़े अब भी किए जा रहे हैं, लेकिन वो वादे 5 साल में कितने पूरे होते हैं? सबसे बड़ी बात यही है कि आखिर वो वादे पूरे होंगे भी या नहीं होंगे, चाहे वो रायबरेली की बात हो चाहे वो सहारनपुर की ही बात क्यों ना हो। ऐसे में सुशील यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, देखिये इस बार के चुनाव में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एजेंडा ये दिख रहा है कि महिलाओं को साथ लेकर चलने की बात की जा रही है, सभी पार्टियां महिलाओं के लिए आगे आ रही हैं, महिला कार्ड खेल रही हैं, लेकिन अगर अभी की स्थिति की बात की जाए तो सहारनपुर में महिलाओं को लेकर कैसी सुविधा है, क्या वहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं? जी ठीक है सुशील, विकास की बात आप यहाँ पर कर रहे थे, विकास तो नहीं हुआ है चाहे वो रायबरेली हो सहारनपुर हो। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का, राजू आपका भी और सुशील आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही अच्छे से अपने अपने जिलों के बारे में जानकारी देने के लिए कि किस तरह से विकास की जहां बात की जाती थी वो विकास हुआ है या नहीं हुआ, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चीज़ है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि चुनाव के दौरान देखिए रायबरेली से भी ये बात सामने आई कि वादे तो खूब कर दिए गए और सहारनपुर से भी ये बात निकल कर सामने आई कि वादे खूब किए लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी और जिलों के संवाददाताओं के साथ और वहां की हलचल जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।